आपके जीवन के उन कामयाबी के पन्नों को हम एक बार आप ऊपर बैठ के देखिए। कैन वी हैव देवी प्लीज अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया एक ऐसी कंपनी जिसने भारत में दूध के मायने ही बदल दिए और इसके सूत्रधार बने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रूपिंदर सिंह सोढ़ी अमूल आज भारत की सबसे बड़ी फूड प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डॉक्टर रूपिंदर सिंह सोढ़ी की अहम भूमिका है डॉक्टर सोढ़ी ने फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीज कुरियन के मार्गदर्शन में कंपनी को आगे ले जाने के गुण सीखे और उनतालीस सालों की अपनी ईमानदारी समर्पण साहस के दम पर अमूल के एनुअल टर्नओवर को आज उनतालीस करोड़ रुपए तक पहुंचाया है मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए डॉक्टर सोढ़ी ने पिछले 10 वर्षों में दूध खरीद से किसानों की आय को पाँच गुना बढ़ा दिया है डॉक्टर उपिंदर सिंह सोढ़ी की लीडरशिप में किसानों और उपभोक्ताओं के प्रति प्रतिबद्धता अमूल की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है इस पैनल में आगे मैं इनवाइट कर रही हूं हमारे साथ जुड़ेंगे इस पैनल में वाई गुलेरिया साहब डायरेक्टर हैं होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया मैं चाहती हूं कि हमारे साथ गुलेरिया साहब आए उससे पहले मैं उनका एवी प्ले करूं ताकि आपके कामयाबी के पन्नों को हम एक बार फिर से देख पाएं जो सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं वो जिंदगी में सब कुछ की काबिलियत रखते हैं द पावर ऑफ ड्रीम्स में विश्वास रखने वाले यदुविंदर सिंह गुलेरिया इस कहावत को सही साबित करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ट के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले यदुविंदर सिंह गुलेरिया किसी ब्रांड की ग्रोथ और ऑपरेशनल एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं होंडा टू व्हीलर्स इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल यदुविंदर सिंह गुलेरिया ने कंपनी की सेल्स एंड मार्केटिंग कस्टमर सर्विस और ब्रांड कम्युनिकेशन को नए आयाम दिए हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इंट्यूटिव एक्सेप्शनल ब्लैंड ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो यदुविंदर सिंह गुलेरिया के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं यदुविंदर सिंह गुलेरिया को लगातार चार वर्षों तक आई ए एडरशिप अवार्ड में मार्केटर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है उड़ान डेयर टू ड्रीम पहले पैनल में मेरे तीसरे पैनलिस्ट हैं शुशांक श्रीवास्तव तालियों के साथ स्वागत कीजिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया सर प्लीज़ वेलकम द स्टेज और मैं चाहूंगी कि एवी प्लीज़ प्ले करें ताकि हम देख पाएं कि मारुति सुजुकी के साथ कैसे शुशांक ने कामयाबी के परचम को छुआ है सफलता के लिए सकारात्मक सोच होना बेहद जरूरी है और मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव इस बात को सही साबित करते हैं उनके पॉजिटिव माइंडसेट और विजनरी लीडरशिप का ही नतीजा है जिसने मारुति सुजुकी की कामयाबी को एक नया आयाम दिया है आज से तीस साल पहले उन्होंने मारुति सुजुकी को एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर ज्वाइन किया था पर अपनी लगन समर्पण और आगे बढ़ने के जुनून की बदौलत आज वो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर है तेजी से बदलते ऑटोमोबाइल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए शशांक श्रीवास्तव ने कई बदलाव किए हैं और यही कारण है कि मारुति सुजुकी भारत में मार्केट लीडर मानी जाती है मेरा पहला पैनल वो पैनल है जिसने अपनी शख्सियत से इस देश को गर्व करने का मौका दिया है और यही तो है उड़ान डेयर टू ड्रीम 2021 मैं चाहूंगी कि मेरे पहले पैनल को मेरे सहयोगी सौरभ मैन मॉडरेट करें प्लीज वेलकम द स्टेट सौरभ एंड प्लीज गो अहेड विद द पैनल एक बार जोरदार तालिया आप सभी लोग मौजूद हैं जी हिंदुस्तान प्रेजेंट उड़ान डेयर टू ड्रीम टू थैंक यू माधुरी नमस्कार गुड इवनिंग एवरी वन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस इवनिंग उड़ान डे टू ड्रीम के आज के इस पहले पैनल में हम इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलकर मूड को एनालाइज करेंगे नए मौके न्यूअर ऑपरचुनिटीज को लेकर हम मंथन करेंगे साथ ही गो स्ट्रैटीज पर हम फोकस करने वाले हैं आई एम हैप्पी टू वेलकम वंस अगेन शशांक श्रीवास्तव साहब सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आर एस सोडी साहब मैनेजिंग डायरेक्टर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन या यू कहें अमूल शुक्रिया सोधी साहब साथ ही मौजूद हैं वाई एस गुलेरिया साहब डायरेक्टर होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो आइए बातचीत के सिलसिले को हम सीधे शुरू करते हैं शशांक साहब शुरुआत में हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे हम समझना चाहेंगे द गवर्नमेंट सर हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द ऑटो सेक्टर तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए और स्पेसिफिकली न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए इसके क्या मायने होंगे अगर आप समझा सकें जी तो so, पीएलआई जो है बेसिकली इट इज फॉर इन टू कैटेगरीज वन इज फॉर

Uh, in the sense that uh, the future technologies of automobile will probably be in the direction in which these, uh, 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 these components would probably be required there. For example, uh, right now, India has about 3% of this in our automobiles, in our industry. Whereas uh, it is expected around 2030, probably it will be about 30%. एंड राइट नाउ इन द वर्ल्ड इट इज़ एटीन परसेंट तो हम वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से अभी थोड़े पीछे चल रहे हैं इन में और इससे काफ़ी पुश uh, मिलेगा इस पी एल आई से कि हमारी इंडस्ट्री नए टेक्नोलॉजी uh, की तरफ जाए और ऑटो इंडस्ट्री खासकर एक सप्लाई चेन एक मॉडर्न सप्लाई चेन बने तो उस लिहाज से ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और अच्छी स्कीम है ओके शशांक जी दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स आप हमें ये बताएं uh, चुनौतियां कई हैं लेकिन उन चैलेंजेस के बीच में कई अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं आप उस पहलू को किस तरह से देख रहे हैं एंड स्पेसिफिकली जिस तरह से ईवीज के फ्रंट पर जो एक्शन हो रहा है उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं आगे की राह उस फ्रंट पर कैसे दिख रही है uh, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जी बहुत अहम अहम सवाल है बिकॉज अब हम उस मोड पे आ गए हैं ऑटो इंडस्ट्री में जहाँ पे शायद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी है वो एक इट्स ऑन द टेक ऑफ स्टेज Uh, although I must say that, uh, you know, not only in India, globally, there are uh, some constraints which are preventing the growth of EVs as much as, uh, uh, I mean, uh, it was expected. Uh, first is, of course, the battery technology cost, which makes the cost of acquisition of the EVs very uh, high. Second is the in uh, infrastructure for charging. And third is the range anxiety which consumers have, ki meri gadi ek charge pe kiti इनिशियली क्या है कि जो एनवायरमेंटल रीजंस हैं और जो गवर्नमेंट की जो पुश है उससे ज़्यादातर कंट्रीज़ में ई के सेल में जो है इजाफा हुआ है द पावर ट्रेन कॉस्ट ऑफ आइस इंजेंस एंड ई वीज रफली अबाउट सेवन एट थाउजेंड डॉलर डिफरेंस तो वो सब्सिडीज़ जहाँ पे मिली हैं वहाँ पे प्रोग्रेस हुई है लेकिन अब हम उस स्टेज आए हैं कि जब बैटरी कॉस्ट इस क़दर नीचे आएगी उससे कॉस्ट ऑफ़ व्हीकल्स कम हो जाएंगी ई की Or uh, at the same time, ICE engine ki vehicles ki cost badegi because of the emission standards getting more and more tough and stringent. So I think that takeoff point will come sometime, probably towards the end of this decade, 2028-2030. It is expected about seven-eight percent of uh, the vehicle sales in that time will be about uh, uh, will be in the EV category. So yes, it's a big opportunity, and uh, in the auto industry, we are all looking forward.

पी एल आई मीन्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में दी है और एक ही मकसद है उसका कि भारत में उस क्षेत्र में कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए दूसरा कि उस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को कैसे एक्सपोर्ट किया जाए और तीसरा कि मेड इन इंडिया जो भारत का ब्रांड है इसको बाक़ी कंट्रीज़ में कैसे प्रमोट किया जाए ब्रांडिंग किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में फूड क्षेत्र में भी पी जो भारत के बड़े बड़े फूड प्रोसेसिंग में मैन्युफैक्चरर हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए इनक्रेज किया है तो जैसे जिस क्षेत्र में हमें उसमें रेडी टू ईट और रेडी टू कुक फूड में एक क्षेत्र है जिसमें कि इंसेंटिव मिल रहे हैं दूसरा है कि मोजरेला चीज तीसरा है फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है कि विदेशों में अब कोई भी खाने पीने की जैसे अमूल ब्रांड है यूएसए यूरोप दुबई अमूल ब्रांड को प्रमोट करने के लिए 50 परसेंट ब्रांडिंग की सपोर्ट है और प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम में जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसमें से पहले पांच कंपनीज को चूज़ करके उसके ऊपर जो भी आप एक्स्ट्रा सेल देंगे अगले छः साल में उसके ऊपर दस परसेंट जो भी आपकी सेल ग्रोथ होगी उसके ऊपर इंसेंटिव मिलेगा ये नए इन्वेस्टमेंट्स नए ब्रांड बनाने के लिए बहुत ही उत्साहित स्कीम है भारत सरकार की गुलेरिया साहब आपके पास आए पर उससे पहले सोडी साहब हमने पहलाई का मेंशन किया है लेकिन अभी पैंडेमिक जिस तरह से दौर है सेकेंड वेव गई थर्ड को लेकर भी फेयर्स हैं उस दौरान आप भी बताइए आपकी जो पूरी सप्लाई चेन है क्योंकि आप एसेंशियल सर्विसेज को जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको कैसे आपने मैनेज किया है क्योंकि आपकी सप्लाई चेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है उसमें प्रोक्रूटमेंट से लेकर उसका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे सफर में किस तरह की लर्निंग्स रही हैं अगर आप सभी के साथ वो शेयर कर सकें सौरभ जी अगर खाने के या फूड की सप्लाई चेन की बात करें ये खाली खाने की जो सप्लाई चेन होती है जैसे जिस क्षेत्र में हमें दूध हैं ये खाली एक भूखे पेट को खाना या न्यूट्रिशन ही नहीं प्रोवाइड करती अगर मैं दूध के क्षेत्र की बात करें जिसको हम सी टू सी सप्लाई चेन कहते हैं काउ टू कंज्यूमर ये जैसे अमूल में 36 लाख गरीब परिवारों को जीविका देती है और पूरे भारत में 10 करोड़ परिवारों को उनके लाइवलीहुड का है ये जो सप्लाई चेन है उनको पैसा देती है गांव बैठ के कि बच घर के लिए राशन खरीदें बच्चों की फीस दे सकें और कहीं अगर बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए फीस दे सकें और अगर कोरोना हो गया तो मेडिकल का पैसा भी बिल भर सके ये सप्लाई चेन दस हज़ार जो हमारे अमूल से जुड़े ट्रक ड्राइवर हैं या क्लीनर हैं उनको रोजगार देती है ये जो दूध की सप्लाई चेन है तकरीबन 10 लाख जो दूध बेचते हैं गली-गली खड़े होकर दुकानदार उनको भी जीविका देती है और 135 करोड़ लोगों को न्यूट्रिशन भी देती है ये जो कोरोना में हुआ हम बहुत लकी थे कि भारत सरकार ने शुरू से एसेंशियल कह दिया था पर पैनिक बाइंग थी एकदम सभी ने सोचा 25 तारीख से मार्च से कुछ मिलने वाला नहीं है दूध खाने पीने की चीज तो पैनिक एक, एक, एक पैनिक थे, में बिल्कुल तो हमको इमिजिएटली सबसे पहले करना पड़ा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन टू जो किसान है कि आपका दूध कल खरीदा जाएगा आप चिंता मत कीजिए कस्टमर्स को उसी वक्त डिफरेंट मीडिया से विद इन हाफ एन आवर जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच करी मैंने एक वीडियो अपनी वाइफ को बोला उतारो और हमने पूरे मीडिया में डाल दिया कि कल आपके शहर में आपकी दुकान पे दूध भी आएगा छाछ भी आएगा और दही भी आएगा आपको पैनिक बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए जो भी फिर नेक्स्ट टू थ्री डेज़ में अप्रूवल चाहिए कलेक्टर से मिनिस्टर से काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने हमको सामने से कॉल किया कि सोडी जी हम ये चाहते हैं कि अमूल दूध दिल्ली में मिलना चाहिए अमूल दूध कलकाता में मिलना चाहिए वरना हमारा ये लॉकडाउन सक्सेसफुल नहीं रहेगा लोग गलियों में आ जाएंगे सबका सपोर्ट मिला कम्युनिकेशन थी और उसके वजह से ये जो पूरा सप्लाई चेन बिना एक भी दिन एक दिन छोड़िए एक घंटे भी रुके बगैर चलती रही राइट right. गलेरिया साहब अब आपके पास हम आएँगे आप बता सकें जिस तरह से ऑटो क्षेत्र में पहले चैलेंजेस रहे और अभी पिछले दिनों जैसे रॉ मटेरियल के प्राइजेज में तेजी रही है उससे प्रेशर्स काफ़ी बढ़े और सेमी की शॉर्टेज भी हैं ये मूड किस तरह से है अब फेस्टिव सीज़न भी है ऐसे में अंडरटोन क्या है सौरभ जी पहले तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं सभी जो आज उपस्थित है यहाँ की जब आपकी तरफ से निमंत्रण आया तो मैंने लिस्ट देखी कि दो ऑटो से हैं और एक एफ इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले हैं ये कैसा पैनल है और फिर श्रीवास्तव जी मैं सोचा कि जैसे ऑटोमोबाइल में भी ये बहुत एक आम जनता और आम आदमी की आवाज़ में जब वो बात करते हैं किसी नई गाड़ी ली कैसे चल रही है तो जवाब आता है मलाई सी चल रही है अरे हाँ कोई कनेक्शन तो है या मक्खन जैसी है ऐसा आता है तो उसे लगा हाँ अभी शायद हमारा अमूल के साथ या एफ एम सी के साथ एफ एम सी जी इंडस्ट्री के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है तो अभी आपके सवाल पे आते हैं कि आ, किस तरह के हमारे पास चैलेंजेस हैं अभी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल यस जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो रॉ मटेरियल को हम कंटिन्यूसली देख रहे थे कि सभी चाहे वो स्टील के प्राइसेस हैं या प्रेशियस मेटल है रोडियम पैलेडियम इन सभी का प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में भी और भारत में भी बढ़ रहा था तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी ऑटोमोबिल पर भी है चाहे वो फोर व्हीलर हो टू व्हीलर हो बट मार्केट के अंदर उस टाइम डिमांड कम था कि लॉकडाउन था लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे जब uh, कुछ पेंटअप डिमांड आनी शुरू हुई तो मैन्युफैक्चर के लिए एक फाइन बैलेंस रखना कि आपको कितना पास ऑन करना है मार्केट में क्योंकि अभी डिमांड है आप डिमांड को भी रोकना नहीं चाहते और आपको अपनी बॉटम लाइंस का भी टेक केयर करना है तो कुछ इंडस्ट्री uh, ने पास ऑन किया है वो प्राइस इंक्रीज टू द कस्टमर बट फिलहाल मैं ये कहूँगा कि अभी भी पूरा प्राइस जो है हम uh, मार्केट uh, में नहीं कर पाए हैं बट द सेम टाइम जो रिसेंट ट्रेंड मार्केट में देखने को मिले हैं ऑन कमोडिटी प्राइसेस वो कंट्रोल में हैं और कुछ स्पेशली रोडियम एंड ऑल दे आर गोइंग डाउनवर्ड एज अ ट्रेंड सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट थ्री मंथ्स हम देखेंगे उसके बाद कि कैसे वेदर वी हैव टू फर्दर पास ऑन टू द मार्केट और नॉट बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर द इंडस्ट्री इज जस्ट हेड ऑफ अस आफ्टर द श्राद पीरियड एंड ऑल विन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर विल कम तो नवरात्रों के साथ मार्केट में हमेशा उठाव आता है तो हम सभी पूरी प्रिपरेशन में हैं पूरी तरह तैयार हैं कुछ मॉडल्स में ज़रूर दिक्कत है कि सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है या चिप्स की जो शॉर्टेज है मार्केट में ये सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं है इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना तो उसके कारण बिकॉज नाउ दे आर ऑफ थिंग्स स्पेशली इन फोर व्हीलर्स विच आर यूजिंग द चिप्स और टू व्हीलर्स में वन फिफ्टी से अबव की कैटेगरी के अंदर आ, हमें सप्लाई की दिक्कत है बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट सप्लाईज के ट्रेंड नजर आ रहे हैं बट येसम मॉडल द चिप्स बट रेस्ट ऑफ द मॉडल्स वी आर ट्राइंग बेस्ट टू सर्व द कस्टमर्स इन द अपकमिंग ओके अभी जैसे शशांक साहब ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेंशन किया आप इस मार्केट में जो भी एक्शन है जो हलचल तमाम है उसको कैसे देख रहे हैं और उस पर क्या शेयर करना चाहेंगे आप कंपनी का पर्स्पेक्टिव देर इज नो डाउट इज लॉट ऑफ बज अराउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एज ऑफ नाउ बट ऑलरेडी शशांक जी ने भी कुछ चैलेंजेस बताए हैं कि अभी जो एक डिमांड मार्केट में क्या नेचुरल डिमांड है कस्टमर आपके आके मांग रहा है ऐसा अभी नहीं है बट uh, येस टुगेदर एज ऑल द स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से भी जो पॉलिसी है या फेम टू है उसमें भी जो सब्सिडी एक्सटेंड की जा रही हैं ऑल दोज एफर्ट्स आर टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द डिमांड इन द मार्केट फॉर द कस्टमर सो डेट अफोर्डेबिलिटी इज देयर बट स्टिल द चैलेंजेस आर देयर रिगार्डिंग द चार्ज चार्जिंग प्वाइंट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एक चार्ज में पहले हम पेट्रोल में कहते थे दे, कितना देगी आजकल वही कस्टमर बोलता कितना चलेगी एक चार्ज में सो सच थिंग्स आर स्टिल देयर

ये जरूर है बिकॉज टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होगी लिथियम आयन बैटरी अभी साइज बड़ा है एक्सपेंसिव है धीरे धीरे कम होगी हो सकता है साइज भी आगे कम हो न्यू टेक्नोलॉजी विल विल इवॉल्व डेफिनेटली एंड देन एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज ऑफ शशांक साहब आपके पास आना चाहेंगे एक और पर्सपेक्टिव पर जहां तक हम इकोनॉमी की बात करें और इकोनॉमी की बैकबोन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जी उनका आपके क्षेत्र में भी काफी बड़ा रोल है कई फ्रंट्स पर उनकी जो चैलेंजेस रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक में देवर इनफैक्ट दर्स्ट एट सेगमेंट्स टली उनके मौजूदा चैलेंजेस को आप किस तरह से देखते हैं क्योंकि उनका रोल काफ़ी क्रूशल है वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट हेयर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें uh, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं एग्रीकल्चर के बाद वो एस एम ईज और एम एस एम ईज़ हैं इन फैक्ट दे गिव एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट एलेवन करोर पीपल फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इज़ जनरेटेड हेयर Uh, और हमारे एक्सपोर्ट्स से अगर आप देखें तो एटलीस्ट फोर्टी एट परसेंट इज लिंक्ड सम हाउ इफ यू लुक बैकवर्ड टू एम एस एम ईज बट अनफॉर्चुनेटली एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग थर्टी परसेंट टू दी डी पी सो देर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एंड यू आर राइट वर बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड और uh, uh, सिर्फ कोविड ही नहीं मैं कहता हूँ कि उनके साथ प्रॉब्लम uh, कुछ बेसिक uh, प्रॉब्लम्स भी हैं विच आई थिंक वी नीड टू एड्रेस इफ दे हैव टू सी द ग्रोथ दैट वी आर एक्सपेक्टिंग सबसे पहले जैसे मार्केट uh, एक्सेस uh, है मैंने जैसे बताया एक परसेंट लोग डायरेक्ट मार्केट uh, को एक्सेस करते हैं बाकी थ्रू uh, इंटरमीडियर कर रहे हैं एक मार्केट एक्सेस बहुत ज़रूरी चीज़ है दूसरा है कि uh, उनका क्रेडिट एक्सेस नहीं है

Good things, and we uh, actually our government acted very quickly uh, to restore the uh, the confidence, both in terms of the uh, credit facilities which were available, which uh, loans may unco di in terms of the uh, uh, repayment uh, in uh, terms.

so us, they play a very important role, and we help them right from the beginning in getting, uh, uh, for example, trained manpower or training themselves uh, for, uh, for for uh, increasing their productivity, quality standards, in sabke, handholding hand-holding and i think that is the reason why we have been able to give quality products, even with the very high level of localization that we have been able to get through these. Uh, पार्टनर्स दी वेंडर्स राइट सोडी साहब आपके पास आना चाहेंगे आप जैसे कुछ देर पहले सप्लाई चेन का मेंशन कर रहे थे ये टेक्नोलॉजी के रोल पर आप बता सकें क्योंकि उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसका रोल और ज़्यादा बढ़ेगा आप उस परस्पेक्टिव को बता सकें ऑन्टरप्रेन को उस फ्रंट पर टेक्नोलॉजी अडॉपशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए क्योंकि पैंडमिक में हमने देखा स्मॉल बिजनेसेस में हेजिटेशन थी ऑन्टरप्रेनियोर्स में लेकिन वो इस तरफ आगे आए हैं आगे और कैसे हाउ दे शुड मूव हेड फ्रॉम है सौरभ जी पहली बात तो ये है कि चाहे आप एस एम ई हैं चाहे बड़े आप बड़े कॉपरेटिव कुछ भी हैं चाहे हमारे जैसे कॉपरेटिव हैं टेक्नोलॉजी के बगैर आपका भविष्य नहीं है नो no डाउट पिछले कुछ एक दो दशक से टेक्नोलॉजी का एडप्शन चल रहा था एक एक रेट पे हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी डिजिटल हो चाहे आपकी मैनुफैक्चरिंग की हो आई आईटी की हो रही थी बट फॉर्चुनेटली कोविड ने एक सबसे बड़ा काम यह किया है कि एडोप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एप्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज ट्रिमेंडसली मतलब अगर वो वन एक्स था बिफोर कोविड ना रेट एज इंक्रीज टू फोर टू फाइव एक्स तो तो अब किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए right. क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया कि यस टेक्नोलॉजी चाहे डिजिटल हो चाहे ये तो हमारे फायदे के लिए है आप देखिए मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल देता हूँ हमारे दूध का क्षेत्र में जैसे हम दस हजार टैंकर से दूध कलेक्ट करते हैं और वैसे ही दस हजार ट्रक से दूध के पर्स पूरे भारतवर्ष में बेचते हैं हमने उनमें जीएएस सिस्टम लगा रखे धीरे धीरे चलते थे अभी क्या हुआ कि जिस दिन ये कोविड आया कोई नीचे पुलिस वाला गाड़ी रोक रहा है टैंकर रोक रहा है तो हमको इमीजिएटली अपने सेंट्रल कंप्यूटर पर पता चल जाता था कि ये हमारा दूध का टैंकर गोवा के बॉर्डर पे रुका हुआ है हालांकि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमारा ये ओपन है तो हमको वहाँ के उसने एस का नंबर दिया हमने एस को बोला कि ये नंबर का टैंकर ये नाके पर आपके पुलिस वाले ने रोक रखा है तो प्लीज़ इसको ओपन कीजिए सिमिलरली आप अगर दुकानदार है कोविड में कोई सेल्समैन ऑर्डर लेने नहीं आ रहा, ठीक है? पे, पे ऑर्डर रखते हैं अभी, अपने घर को, अपने एप पे अपना उसको कितना दूध चाहिए कितना मक्खन चाहिए अपना देगा, आ जाएगा। आप कह रहे हैं काफी कुछ अब ड्राइव कर रही है और हाँ। आगे बहुत उसका क्रुशल रोल होगा फाइनल कमेंट्स आपसे लेना चाहेंगे गुलेरिया साहब से एक बार हम स्टार्ट करते हैं गुरे साहब ये बता सके एक तरफ पैंडमिक दूसरी तरफ इंडस्ट्री फोर पॉइंट टू दिस इज लीडिंग टू डिमांड फॉर न्यूअ टाइप ऑफ स्किल्स उसके लिए इंडस्ट्री कैसे रेडी हो रही है ऑन्टरप्रेनोर्स भी अपनी वर्कफोर्स को अपनी टीम्स को कैसे अपस्किल करें कैसे रीस्किल करें कैसे नए दौर के लिए रेडी हों आपका सही सवाल है इसमें ये चीज है कि जो चेंज है ना चेंज के लिए वी ऑल नो डैट द ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड टुवर्ड्स द लीस्ट रिजिस्टेंस बट ये जो चेंज आया है इसमें कोई चॉइस नहीं थी जैसे सोधी ने बहुत सही तरीके से बताया कि इफ़ वी वर टू सर्वाइव द ओनली वे आउट वॉज यू नो एडोप्टिंग द टेक्नोलॉजी एज क्विकली एज पॉसिबल वेदर इट वॉज बिजनेस और इट वॉज इंडिविजुअल जैसे पहले डिमोनोटाइजेशन हुआ तो मोस्ट ऑफ अस स्टार्टेड यूजिंग यू नो द डिजिटल पेमेंट उससे पहले किसी को काफ़ी कम नॉलेज थी अगर नॉलेज थी तो दे आर नॉट एडोप्टिंग और रूरल में भी बट it forced people to go, you know, and adopt technology. so definitely technology, do T or important technology, talent, training. so once technology is there, there need to be some, you know, the talent which has to be developed to use that technology and technology for in a meaningful way. that is why training is very, very important. and today, uh, you know, before coming to this panel, there is uh, another gentleman who will be there. ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग ऑन इन न्यू प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेनिंग एज वेल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड ऑल्सो ग पहले बच्चों को कोई स्मार्टफोन नहीं देता था चाहे मम्मी हो पापा हो आप खींच लेते थे छीन लेते थे उनसे आज वो स्कूल नहीं अटेंड कर सकते इधर लैपटॉप डेस्कटॉप और विदाउट अ स्मार्टफोन सो थिंग्स एव चेंज सो वी हैव टू अडेप्टिकली टू बेनिफिट आउट ऑफ दैट ओके शशांक साहब आपकी तरफ से एक वर्ड आपका क्या मैसेज होगा इस बदलते दौर में जैसे अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको टैप करने के लिए ख़ुद को भी कैसे बदलना है कैसे आगे बढ़ना है बात टेक्नोलॉजी की हो रही है इनोवेशन है क्वालिटी है कॉस्ट एफिशिएंसी है मार्केटिंग ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग कैसे कई पहलुओं पर एक साथ काम करना होगा आप uh, कैसे समझाएंगे चलते हुए जी तो सबसे पहले तो एक ये जो ह्यूमन एलिमेंट है उसमें ना हमको एक रेजिलियंस चाहिए बिकॉज दिस इज़ द बिग मैसेज थ्रू कोविड दैट इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट द known unknown it is about the unknown unknown we have to be prepared for and therefore we have to wire ourselves to be resilient on the human front on the business side of uh, processes uh, and systems we need to adopt technology and digitize our operation in, in cars we have done that and on the brand side and i really like it that you mentioned the brand part because you know in the entire process in the COVID, we observed

डॉक्टर वर्गीन तो आप हमें बताएं वॉट रियली गोज इन टू क्रिएटिंग जैसे अभी ने कहा ब्रांडिंग मार्केटिंग पर आपकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिस कुछ टिप्स ऑनटरप्रोर्स के लिए सब क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है लेकिन फिर भी हम चाहेंगे ब्रीफ में अगर आप कुछ शेयर कर सकें देखिए मैं जो सबसे पहले बात कर रहा हूँ आप लोग पसंद नहीं करें एडवर्टाइजिंग से कुछ नहीं होता ब्रांड एक एक्सपीरियंस है जो ओवरनाइट रात को आप कोई सेलिब्रिटी आके अगर उसको एंडोर्स करेगा तो ब्रांड नहीं बनता एक आधे दिन के लिए सेल बनती है पर लॉन्ग टर्म में ब्रांड बनाना है तो आपको कस्टमर की लॉयल्टी या फेथ नहीं चाहिए आपको ब्लाइंड फेथ चाहिए जैसी आपकी रिलीजन में होती है जिसमें यू डोंट क्वेश्चन यू जस्ट वॉक इन टू ए शोरूम यू से कि मुझे मारुति की गाड़ी चाहिए यू वॉक इन टू शॉप मुझे होंडा का स्कूटर चाहिए ए यू वॉक ए हाउस वाई गोज़ इन टू शॉप विदाउट लुकिंग लेफ्ट एंड राइट अमूल बटर पिक करे क्योंकि उसको मालूम है ये ब्रांड मुझे बेस्ट मनी की डिलीवरी कर रही है मुझे कभी चीट नहीं करेगा मुझे शॉर्ट चेंज नहीं करेगा और जिस चीज़ को मैं जिस पर्पस के लिए ले रही हूँ वो पर्पस सर्व करेगा और अमूल जो 75 साल आज इस साल हम पूरे कर रहे हैं एक्चुअली ये एजलेस ब्रांड बनाई इसी के ऊपर है कि ऑलवेज थिंकिंग कस्टमर आपसे ज़्यादा स्मार्ट है उसको आप जो भी करो उस आपके लिए कम है और एक का जो हमारे 135 करोड़ कस्टमर कॉन्फिडेंस की वजह से ट्रस्ट की वजह से और एक दूसरी तरफ जो 36 लोग किसान परिवार है उनका भी इस ब्रांड पे ही फेथ है बढ़ता जा रहा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आप. ये इंटरेस्टिंग थाट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए उड़ान डे टू ड्रीम के इस पहले पैनल में ज्वाइन करने के लिए शशांक साहब शुक्रिया गुलेरिया जी आपका भी धन्यवाद सोडी साहब थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच सौरभ थैंक यू सो मच लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है वो आपके लिए बहुत यादगार रहे हम चाहते हैं कि आपको फिलिस्टेट करने के लिए मैं मंच में बुलाना चाहूँगी और सी मनोज जिग्यासी जी सर एंड अर सीईओ यू पुरुषोत्तम वैष्णव जी प्लीज सर और विपाशा जी को भी मैं हमारी स्पेशल गेस्ट विपाशा जी स्टेज पर आए ये मोमेंट जो आपको हमेशा ये याद दिलाएगा सर कि आपकी कामयाबी की उड़ान कई लोगों के हौसलों को बढ़ा रही है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आर एस सोरी जी मैनेजिंग डायरेक्टर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड अमूल थैंक यू सो मच वाई एस गुलेरिया सर डायरेक्टर ऑफ हॉन्डा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया एंड थैंक यू सो मच शांक श्रीवास्तव जी आर एस सोढ़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए वी आर थैंकफुल टू ईच एवरी वन वी आर वेरी थैंकफुल थैंक यू सो मच सर थैंक यू इसी के साथ मैं चाहूंगी कि जी मीडिया के सी आर ओ मनोज जिग्ञासी जी थैंक यू सर वाई एस गुलेरिया जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया शशांक श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया उड़ान डेयर टू तो ड्रीम 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन जी हिंदुस्तान

निवेदन कर रही हूँ गोयल जी से अरविंद गोयल जी से प्लीज सर वेलकम टू स्टेज और शमशेर सर को भी मैं ऊपर बुलाना चाहूँगी क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी शख्सियत हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दिखाने के लिए कि आपकी कामयाबी की उड़ान कैसे दूसरों के पंख को खोल रही है आप दूसरों के हौसले बनते हैं इसी क्रम में मैं बहुत सारे ऐसे नाम लूंगी जो आज इस कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट हैं हमारे वो मेहमान जिनको मैं स्टेज पर बुलाऊंगी उसमें सबसे पहला नाम है चटोपिया के डायरेक्टर सुब्रता रॉय प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर मैं चाहूँगी कि आप सभी का एक फेलिस्टेशन हम यहाँ पर करें आपको एक सम्मान दें और हम आपको फिर से याद दिलाएं कि आपके